देश भर में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला केरल के कोझिकोड जिले से सामने आया है। एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि अपने घर के पास एक लड़का साइकिल चला रहा है और उस पर एक कुत्ते ने अचानक से हमला कर दिया। घटना रविवार दोपहर की है, जो गाँव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बच्चा साइकिल चला रहा था, सामने से एक कुत्ता आता है और उस पर हमला कर देता है। कुत्ता बच्चे को साइकिल से खींचकर उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके हाथ पर काट लेता है। इसके बाद बच्चा जैसे तैसे खुद को बचाकर एक घर में घुस जाता है। बच्चे को घर में घुसता देखकर वो कुत्ता वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कुत्ता उसी गली से दोबारा गुजरता है। इसके बाद कुछ लोग बच्चे को देखने के लिए घर में जाते हैं। केरल में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से चले तो 8 महीनों में 1 लाख से ज्यादा कुत्ते के काटने के मामले सामने आए हैं, जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 लोगों की इंट्रावेनल रेबीज वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी मौत हो गई। पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो 2018 में 1,48,899 मामले सामने आए थे और वहीं 2022 में 1,21,000 मामले सामने आए हैं। इस पूरी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला करती हुई केरल सरकार इस वक्त बहुत ही चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन इस प्रकार के मामलों का सामने आना सरकार के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। देश भर से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर डॉग बाइट्स के बाद लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो रही है और वहीं पर एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड का कुत्ता, जो लोग आजकल पालना बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है पिटबुल, उसके हमले से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो कई बार अपने ही मालिक पर इस प्रकार से जानलेवा हमला कर देता है कि उसके मालिक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगर आप भी एक डॉग लवर हैं या आपको भी कभी किसी कुत्ते ने इस प्रकार से काटा है कि आपको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं और इस समस्या को लेकर सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए, ये सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क।